जी जी मैंने वॉश किया था। वाली साहब लाए हैं मीठे और ये अंगूर और इसके अलावा खूब सारा चिकन लाए हैं। ऑफिस से आते हुए लाए तो मीठे धो लेते मीठे मीठे जरूर खाया करें। मीठे जो है ना डिस्प्रीन होती है, डिस्प्रीन इन्हीं से बनती है। ठीक है जी बिल्कुल। जो गोली की डिस्प्रीन में होती है ना वो इसी इसके जूस में भी होती है। ये है अंगूर। अंगूर मीठे लो जान जी भाई। थैंक यू। सीधे हाथ से सीधे चिकन ले लिए यहाँ पर। ये तीन चिकन है ठीक है, धोने हैं अभी। यस ये धुलेंगे तब तक मसाला रेडी कर लेंगे। यस और ये लहसुन प्याज टमाटर अदरक करी मिर्च ठीक है। ठीक है चिकन मिलाना स्टार्ट करते हैं ना भाई। ये तीन बड़े लहसुन है, प्याज है और लहसुन दो है ठीक है। चिकन
इसमें से ना आधी चिकन किटन के लिए निकाल दिए। पांच चिकन आए थे ना, दो किटन उसके। यस, और तीन हमारी है ना। वो मतलब पीस लेंगे ना। अब हम इसमें क्या डालें? अदरक। यस। और हरी मिर्च है ना? यस। रेड चिली पाउडर, पहले हल्दी पाउडर डालना ना। अब इसमें सॉल्ट डाल, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रखना है। गरम मसाला, ये स्पाइस जीरा घर का पिसा हुआ, सिस्टर के घर में पीसा है, घर का पिसा ये है खुश्क धनियों जो चिकन और गोश्त की जान जान मान शान पान जी पान।
मैं उसे ले लेंगे। लाइट पेपर, यस, काली मिर्च, ये पापा, पापा खाना बना रही हूँ। यस, ये टमाटर टमाटर को भी ला लेते, ठीक है, अच्छे से। यस, और टमाटर को पका लेते। चलो शॉर्ट प्ले, शॉर्ट प्ले। यस, तो देखिए फ्रेंड्स, वाली साहब ने ऐसे दही सबके लिए एक एक डब्बा मंगवाया नेस्ले का। जी भाई, वो भाई ग्रीन के पास उठाया। यस यस, वाले दही के डब्बे मंगवाए सबके लिए जी। और ये कीरे देखो, यस, आलू अपने फ्रेंच फ्राइज बताए थे ना, तो खत्म हो गए थे ना। ठीक है, मेहनत मेहनत कितना प्यारा आलू है। और हमें अपनी रेसिपी के लिए भी चाहिए जी, निकाल लेते हैं। नहीं नहीं, क्या करने लगे ना, उठाना नहीं। आलू डालेंगे कढ़ाई में, ठीक है। ठीक है, किचन की तरह आलू टमाटर की बुनाई पे आ गए। ये देखें, मसाला भून लेंगे अच्छे से, ठीक है, ऐसे करके चम्मच से स्मश करेंगे। आलू पील कर लेते जी। ये
जी मसाला लाओ जान। कढ़ाई के लिए कैसे आलू काटे? ऐसे बाकी चलो चिकन भून लें, फिर मिलते हैं थोड़ी देर। चिकन को अच्छे से भून लें। देखिए मैंने चिकन भून लिया मैंने, अब इसमें ये आलू डाल देंगे, ठीक है? और आलू भी डाल के आप भून लेंगे आलू की बिना कच्ची लीक होती है, थोड़ी सी खत्म करेंगे, ठीक है? आलू भी थोड़ी देर भून लेंगे। और कढ़ाई का तरीका होता है, इसमें गर्म पानी डाला जाता है, ठीक है? बड़े बड़े पकवान सेंटरों का तरीका है, तो पानी रख लेते हैं। ठीक है, उधर दिखाओ। यस आलू थोड़ी देर भूनेंगे, ठीक है? प्लेटी निकाल। यस क्रेजी इसमें निकाल दो प्लेट में। वालिद और वालिदा साहिबा को दे जाती, ठीक है? डाल दो, खा लो। दो ही थी? तीन थी। ये मामा पापा फेवरेट। मामा की तो बहुत फेवरेट है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम पानी। इससे कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है, चलता रहता है, मगर रुकेगा नहीं, मसाला बैठेगा नहीं। ये डालना जरूरी भी होता है। ये बड़े बड़े पकवान सेंटर ना ठंडा पानी नहीं डालते। और चिकन ना कभी भी कच्चा नहीं आना चाहिए, कच्चा होगा ना तो चिकन कभी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? इसको पकाएंगे तकरीबन 40 मिनट। फ्रेंड सिस्टर ने ताजा आटा भी गूंद के रखा है, ये देखिए सालन हमारा तैयार हो गया। हमारे घर में बिल्कुल सूखा नहीं खाया जाता, थोड़ी सी ग्रेवी होती है, ठीक है? इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐसे,
ये बड़ी प्यारी लगती है। लो ना, क्लिक लो। बस ये सालन तैयार हो गया। प्यारी सिस्टर ने रोटियां डालेंगे, ठीक है। माशाल्लाह सालन बहुत अच्छा तैयार हो गया। अच्छा भाई, सिस्टर जो है रोटियां बनाती है, मैं तवा रख देता हूं सिस्टर। ठीक है फ्रेंड, सिस्टर जो है अब रोटियां बनाने लगी हैं। सबसे पहले सिस्टर ने पेड़े बना लिए। पेड़े बना लिए, पेड़े बना लो ना, इजी हो जाता है। और ये देखिए अब बिल्ला शुरू किया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिस्टर बना लेंगी रोटियां। दूसरी रोटी बेल लेते। पापा खुले हुए जी, पापा दरमियान लाला सब खुले हुए। अच्छा गुंडा हो ना तो रोटी दे, अच्छी बिल के बनती है। ऐसे नहीं है कौन। यस, और ये रोटी सिस्टर ने बेल ली है। इधर जो है पेड़े रखे हुए हैं, इधर खीरे रखे हैं, खीरे भी कट होंगे। ये बन गई हमारी पहली रोटी। कितनी प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो आटा है ना, ये सैंडविच का है। yes, बहुत अच्छा आटा है। अच्छा आटा है, चक्की का सैंडविच है ना। यस yes, बड़ी मिल्क है ना। यस, ब्राउन आटा है ना। ब्राउन है ना। यस, ब्राउन आटा है। जितनी आपने पतली करी, हमारे यहाँ पे ना घर में थोड़ी मोटी खाई जाती है रोटी। बहुत पतली रही, बहुत पतली में खाई जाती। एक तरफ सजन। यस, ऐसे ऐसे ना दबा भी सकते हैं रुमाल से। रेडी, इसी तरह आप सिस्टर जो है ना सारी रोटियां रेडी करती हैं, और ये वाली भी डाल लेती हैं नेक्स्ट। और मैं जो है ना खीरे कट कर देता हूँ, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर अब सर्विंग करने लगी है ना। और वालिद को दे देते हैं। ने रोटियां बना ली हैं, ये देखिए कितनी प्यारी बनाई है। और इधर खीरे भी कट कर दिए मैंने और लेमन भी रखा हुआ है। अब सैलेड बन रहा है ना, ये देखिए। इसमें प्याज टमाटर भी डाल सकते हैं, पर हमारे घर में ना इतने अच्छे भी लगते हैं प्याज टमाटर सबको। ये देखो, ये ब्लैक पेपर, हाँ ब्लैक पेपर जा रही है ये बस। और ये नमक रहेगा, थोड़ा सा नमक, और ये जीरा कुटा हुआ डालो, थोड़ा सा कुटा हुआ है ना। जी जी, पिसा। हाँ बस 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 बस, इसमें चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और इसमें लेमन डालो, ये लेमन, ऐसे लेमन को कट कर, बस आधा ही चाहिएगा, अच्छे से निचोड़ दो। और आधी कड़छी सी, थोड़ी सी, थोड़ा सा तेल, ज़रा सा तेल जाएगा। ये हमारा तैयार हो रहा है सैलेड। जरा सा बस बस बस, फूड ड्रेसिंग डाला जाता है। यस, ये सैलेड रेडी हो गया। इसमें टमाटर और प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में हाँ इसे ठंडा ठंडा सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। yes. ये देखिए सैलेड भी रेडी हो गया। बस आप सिस्टर जो है ना सालन सर्व करेंगी। चलो उतार लो पहले दिखची। अच्छा पापा जी, यस अब सिस्टर कर रही है प्लेटिंग। यस, प्लेट बनेगी। चलो अब आप आराम से कर लो, फिर मिलते हैं, ठीक है। वालिद साहब और वालदा साहिबा को सर्व कर दिए। ये देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ने प्लेटिंग कर ली है, सर्विंग कर ली है। और अब जो है ना, देखिए देखचा अभी खाली हो गया, सिस्टर खड़का के बता रही है। दिखाओ देखचा, ये देख। ये प्लेटें बना ली हैं, ये रोटी और ये सैलेड है, ठीक है। जाएगा डाइनिंग टेबल पे, ये सबकी सबके खाने के लिए जाएगा। बिल्कुल वहाँ पे होगी थोड़ी गपशप, और डाइनिंग टेबल पे हम खाना चलेगा।